मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने आए चोर ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि दुकानदार उस चोर को जिस तरह से गहने दिखाने के लिए घूमता है, तभी इस चोर ने मिर्ची पाउडर उसके आंखों में डाल दिया और लाखों रुपए के गहने लेकर ये चोर फरार हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में मंगलवार को जिलेटिन की 1000 छड़ और इतनी ही संख्या में डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इतनी बड़ी संख्या में जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद होने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना का खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है। भिमंडी बाईपास कल्याण रोड पर बाइक और ऑटो रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही भिमंडी के एक होटल में सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि इस होटल में चोर अंदर आता है और पैसे रखने वाला जो गल्ला होता है उसे लेकर ये चोर फरार हो जाता है। मामला भिवंडी के कनेरी इलाके के मुगदर होटल का है। घटना रात 2 बजे के आसपास में हुई है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े को तगड़ा झटका लगा है। इनके होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठाणे कलेक्टर ने नवी मुंबई में सदगुरु होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस होटल और बार के मालिक एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े थे। बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में अपनी उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।